हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो रंजय। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ फेसबुक एड्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डिजिटल मार्केटिंग में और इसके थ्रू आप बहुत सारे पैसे गेन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को ऐड दिखा सकते हैं। जिस तरीके से एड्स चलता है, आप पर्टिकुलर चीज़ों को कैसे टारगेट करते हैं, कैसे किस लोकेशन को टारगेट करेंगे, सपोज आप इंडिया में पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट करेंगे और कैसे करेंगे, वो पूरा हम आज इस वीडियो में देखेंगे और पूरा स्टेप्स को हम सीखेंगे। तो इसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप, अगर आपके पास कोई नियर बाई में कोई प्रोडक्ट अपना उसको सेल करना चाहता है, तो उसके लिए उसको कैंपेन चलाना पड़ेगा, उसको प्रोडक्ट को ऐड दिखाना पड़ेगा। उसके लिए कोई चीज़ अगर आप सीखे हो अगर फेसबुक एड्स के बारे में, तो आप प्रोडक्ट को वो वहाँ पे कैंपेन कर लोगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत इजी वे में आप एड्स को चला सकते हो, सीख सकते हो। तो इस वीडियो को देखिएगा और फेसबुक एड्स डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही अच्छा पोजीशन हासिल कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे एड्स आज की डेट में आप जो फेसबुक ओपन करते होंगे तो कई सारे चैनल्स, कई सारे आपको उसके प्रोडक्ट्स का व्यूज़, आप अपने वेबसाइट को वहाँ पे कैंपेन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो और उसके थ्रू आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए सीधा चलते हैं हम कंप्यूटर पे और पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत सीखने को मिलेगा। लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। तो सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम अपने फेसबुक एड्स को कैसे क्रिएट करते हैं वो सारा प्रोसेस हम देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। अब जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो फेसबुक का इंटरफेस है, न्यू इंटरफेस के थ्रू मैं डेस्कटॉप पे अपने लॉगिन हो गया हूँ और यहाँ पे आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें एक किसी भी पोस्ट का, हमें किसी भी चीज़ का, अगर आप फेसबुक एड्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पर चाहिए और ये देखिए के पास ये बहुत सारे ऑप्शन है, ये प्लस का जो ऑप्शन होगा उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सब मेन्यूज़ ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें आपने ऐड पे क्रिएट करना है तो जैसे ही आप ऐड पे क्रिएट करोगे, ये ऐड मैनेजर का भी बता रहा है कि आप अगर ऐड मैनेजर को भी जाना चाहते हैं तो उसका भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी जाके आप ऐड को क्रिएट कर सकते हैं। ये जैसे इन्होंने ये जो इसका इंटरफेस बनाया है एड्स का, ये अलग पेज बनाया है, डेवलप किया है, जहाँ से आप अपने ऐड को क्रिएट कर सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जैसे हमने वो प्लस के साइन पे क्रिएट करके यहाँ आएंगे तो बहुत सारा चेंजेस आएगा। सपोज करो हमारे आपके पास कोई भी पेजेस हैं जिस पे कोई पोस्ट है, आपको ऐड को उसको ऐड चलाना है, उससे आपको गेन करना है, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए मेरे पास दो पेजेस हैं, एक लुक सेटअप टेक्नो एंड दूसरा इन्फॉर्मेटिक्स का है। हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेटिक्स पे क्लिक करते हैं और कुछ हमारे पास यहाँ पे सेम वही ऑप्शन आ रहा है, हर पेज के लिए आपको वही ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गेट मोर वेबसाइट विजिटर, अगर आपका कोई वेबसाइट है उस पर बहुत ज़्यादा विजिटर की आपको ज़रूरत है तो ये ऐड कैंपेन आप चला सकते हैं, कुछ पैसे यहाँ पे स्पेंड करके, वो हम आगे देखेंगे कि कितने पैसे स्पेंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बूस्ट अ पोस्ट का ऑप्शन दे रहा है, अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट दे रहे हैं आप, वहाँ पे कोई मैसेजेस आपको चाहिए इंस्टेंटली बहुत सारे लोगों को, तो वो यहाँ से रीच करा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अपने पेजेस है, जैसे ये इन्फॉर्मेटिक्स हो गया या लुक जेडअप टेक्नो हो गया, इन सब पेजों को आप प्रमोट कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऐड कैंपेन यहाँ पे चला सकते हैं। अगर लोकल बिजनेस आप चला रहे हैं, उसका पोस्ट है, उसको आप यहाँ पे प्रमोट योर बिजनेस लोकली आप अपने साइट्स में यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो हम क्रिएट करके, ये बहुत अच्छा है कि गेट मोर लीड्स, मतलब किसी जैसे व्यूअर्स का, जैसे आपके कस्टमर्स का, आपके एरियाज़ में आप अगर प्रमोट करते हैं तो आप इसके थ्रू करेंगे और वो वहाँ पे आपको अगर नंबर चाहिए, उनका ईमेल चाहिए तो आप इससे क्रिएट करेंगे तो देख लेंगे। सपोज़ कीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई पोस्ट है अभी,
फिलहाल के लिए। सपोज़ कीजिए हमने वो पेज को सिलेक्ट किया था और यहाँ पे एक ऑप्शन है कि बूस्ट योर पोस्ट। अगर हमने कोई पोस्ट बनाया है, पोस्ट बना के अपने पेज पे किया है और उसे हमें आगे चलाना है। सपोज़ कीजिए इतने सारे पोस्ट हमारे बने हुए हैं यहाँ पे। सपोज़ कीजिए ये हमारे पास कोई होस्टिंग का वेबसाइट के बारे में मैंने बताया है कि किस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं, तो आप कैसे इसको बूस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का आपको जितने भी पोस्ट होंगे वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। अब यहाँ बूस्ट पोस्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं उसी पोस्ट पे जाके, तो ये आप यहाँ पे सीधा डायरेक्टली आप वहाँ पे चल जाएंगे। ये देखिए इस पेज का भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है, इसमें जितनी चीज़ें आप लिखे हैं वो भी शो कर रहा है, इसमें वीडियोस अपलोड किया वो भी शो कर रहा है, और यहाँ पे अगर हमने दिया है कि आप ये कूपन को यूज़ करेंगे तो आपको 72% का डिस्काउंट होगा, आपको इस लिंक पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसको हम बूस्ट करें पोस्ट को। ठीक है, तो ये जैसे ही आप यहाँ पे आएँ इस पेज पे आपको आ गया, तो ये ऐड का प्रीव्यू आ रहा है। जितने लोगों के पास ये पहुँचेगा ये इस तरीके से आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि गोल क्या है, आपको सेट करना होगा कि कहाँ कहाँ पे ये रन कराना है आपने। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक के लिए कि फेसबुक को आप छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली ये आपके गोल तक, ये गेट मोर वेबसाइट विजिटर तो आपको कुछ यहाँ प्रोवाइड कराना होगा इंगेजमेंट के लिए। यहाँ तो हम क्या करते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, और आगे का जाके देखते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप आएंगे ऑडियंस में, तो ये एक्चुअली ये आप लीव भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप पूरा इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं कि ये किस चीज़ के लिए है। फिलहाल आप क्या कीजिए, सीधे हम यहाँ पे चलते हैं ऑडियंस में, और यहाँ पे ये आ रहा है ऑडियंस डिटेल्स का, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। और जैसे क्लिक करेंगे तो आप सपोज़ कीजिए यहाँ पे टारगेट करना चाहते हैं कि कौन से लोकेशन पे, तो आप हम सबसे पहले इंडिया को देते हैं, इंडियन मार्केट में ये टारगेट हो। ठीक है, तो ये आ गया इंडिया में 25+ किलोमीटर तक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बेंगलोर का चूज़ करते हैं, ये जैसे बेंगलोर है, अगर हमारे पास होस्टिंग है तो आईटी सिटीज़ को हम टारगेट करते हैं। ठीक है, तो हमने ये कर लिया, सपोज़ कीजिए दिल्ली ले लेते हैं हम, तो ये दिल्ली इंडिया का आ रहा है। ठीक है, ये भी जैसे आपने क्लिक किया दिल्ली और उसके आसपास 40 किलोमीटर तक ये बता रहा है। अब एक और जो आईटीज़ में आते हैं नोएडा को भी हम टारगेट करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लोकेशन को टारगेट करके यहाँ पे सेट कर दीजिए कि ये कहाँ कहाँ तक ये जाएगा। ठीक है, हम एक ये गुरुग्राम का भी हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं, तो हम इतने जगह तक का कैंपेन करना चाहते हैं और इंडिया को डाल दिया हमने। तो ये ऑडियंस यहाँ पे, अगर आप 40 किलोमीटर प्लस करना चाहते हैं इसके एरिया को और ब्रॉड करना, सपोज़ कीजिए 63 किलोमीटर्स तक ये ब्रॉड एरिया तक ये पहुँचे, यहाँ पे है मैक्सिमम आपको 80 किलोमीटर तक ये रेंज पहुँच जाएगा। पोटेंशियल दिखा रहा है आपको कि इतने पीपल्स तक ये रीच होने का पोटेंशियल ये दिखा रहा है। अब देखिए एक चीज़ और है, अब यहाँ पे लोकेशन सेव करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा इंक्लूडेड आप जो यहाँ पे पीपल्स इन टारगेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए होस्टिंग हम करते हैं तो उससे रिलेटेड जिनको इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। जो भी फील्ड का आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पे, जैसे इंटरनेट होस्टिंग सर्विसेज, होस्टिंग्स में यहाँ पे आपको आ जाएगा रीसेलर वेब होस्टिंग, यहाँ डोमेन देते हैं वो भी इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे डोमेन नेम रजिस्टर
डोमेन, डिजिटल डोमेन्स, तो इस तरीके के जो लोग इससे रिलेटेड हैं, डोमेन नेम, डिजिटल मार्केटिंग, सो इस टाइप का हम क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट क्रिएट कर लिए और यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, अब ये ऑडियंस को हमने क्या करना है, सेव ऑडियंस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव ऑडियंस करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे सारे ऑडियंस यहाँ पे आपके अवेलेबल हो गए, कहाँ पे आपको करना है, तो ये एक आपका सेट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये आपको जब हमने ये सेट कर लिया तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको सारा कुछ। अब यहाँ देखिए मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, ये ड्यूरेशन क्या है, 5 डेज़ के लिए है, और यहाँ पे आप अपना प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ $5 हम कर देते हैं, 350-400 रुपये आपको होंगे इंडियन रेवेन्यू में, तो अगर $5 करते हैं तो उसके टैक्स के साथ $5.90 आ रहा है, और इसके रीचेज़ हैं 400 से 1000 के रीचेज आ रहे हैं, तो डेली का रीचेज आ रहा है इतना, तो ये अच्छा है। और 5 डे हम चलाएंगे, ठीक है, तो ये हम सेट कर लेते हैं। और ये प्लेसमेंट जो है आप कहाँ कहाँ पे देना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, हम मैसेंजर को, ये इंस्टाग्राम को हटा देते हैं। आपको यहाँ पे पैसे पे करने के लिए आपको पेमेंट मेथड यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। ओके, कोई भी क्रेडिट कार्ड आपका है तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ से चेंज, मैंने ऐड कर रखा है, आप ऐड कर लेंगे, बहुत ईजी है। आप जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड का आपको जो कार्ड नंबर है वो पे करना होगा, और उस पर जो बैक साइड पे CVV नंबर होता है वो देना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सारा कुछ सेट हो गया, इतना हमारे पास है। आप यहाँ से सीधा बूस्ट पोस्ट नाउ पे करेंगे, तो ये सबमिटिंग योर एड्स के ऊपर आ रहा है, ये सबमिट हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए योर ऐड इज़ बिंग क्रिएटेड, हमारा ऐड क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे कह रहा है कि वी विल लेट यू नो इफ इट मीट्स आवर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, अगर ये इसके एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ को जो आप करते हैं वो मैच करता है तो 24 आवर में ये आपको जवाब देंगे। यू कैन ऑल्सो गेट अपडेट्स इन एड सेंटर्स। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे स्टेटस हो गया, और ये क्या हो गया, ये चला गया आपका इन रिव्यू में, तो आपका यहाँ पे चला गया पेमेंट मेथड, टोटल बजट इतर, और योर एड विल रन फॉर 5 डेज, एस्टिमेटेड टैक्स, पेमेंट मेथड इतना, गो टू एड सेंटर, ये हमारा हो चुका $5 का। तो जो जैसे इन रिव्यू में गया है, तो इस तरीके से आप एड्स को क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे एड सेंटर में। वो जैसे ही रिव्यू हमारा कंप्लीट होगा हमारे एड सेंटर में उसका मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है आपको ऐड को क्रिएट करने के लिए फेसबुक पेज पे, तो आप इस तरीके से ऐड को क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।